और दोस्तों अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो एटीएम कार्ड का यूज करते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। सीधे सीधे बोलूं तो अगर आपके पास दोस्तों किसी भी बैंक का एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड है, फिर चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का हो, केनरा बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है, तो आज की ये खबर और अपडेट आपको जरूर जान लेना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों गूगल के अंदर भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि एटीएम से निकालते हैं पैसा तो याद रखे 3 से 7 दिन का नियम, आरबीआई का है ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है बैंकिंग न्यूज के अंदर, ये हर एक भारतीय को जरूर जान लेना चाहिए, वरना आपको खाम का पैसों का नुकसान हो सकता है। और आप फिर मुझे मत करना कि यार डीएलएस भाई तुमने मुझे वो बताया नहीं। पर्सनली मैं आपको अपनी डीएलएस न्यूज कम्युनिटी का फैमिली मानते हुए आज की जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये नए नियम आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल काफी काम में आ सकते हैं। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे भास्कर.com की तरफ से जो खबर लगाई गई है 14 जुलाई 2018 का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि अगर आप भी एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपको फ्रॉड या अनाधिकृत ट्रांजैक्शन को लेकर 3 से 7 दिन का यह नया नियम जरूर याद रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंक अकाउंट होल्डर्स या कस्टमर्स के हितों की रक्षा के लिए इस बारे में 6 जुलाई 2017 को नया सर्कुलर जारी किया था, और सर्कुलर में कहा गया कि अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड होने पर कस्टमर को क्या करना चाहिए जिससे उसका नुकसान न हो और बैंक से उसके पैसे की भरपाई कर दी जाए। ऐसे में दोस्तों यहां आप देख पा रहे होंगे कि बैंक को 3 दिन में दे फ्रॉड की जानकारी। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड हुआ तो आपको बैंक के किसी भी माध्यम से इसकी जरूरी सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर बैंक को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी 0 लायबिलिटी होगी। अगर अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ तो बैंक आपके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। पहला नियम तो ये दोस्तों, और बाकी दूसरे नियमों को भी आप पूरा जान लेना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसान दे सकती है। दूसरा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 4 से 7 दिन के बीच जानकारी दी तो आपकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपके अकाउंट में अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या कोई फ्रॉड हुआ, आपने बैंक को 4 से 7 दिन के बीच जानकारी दी है तो इस मामले में आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, यानी आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वैल्यू का एक हिस्सा वहन करना होगा। अगर बैंक अकाउंट बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपकी लायबिलिटी 5,000 रुपए होगी, यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको बैंक से 5,000 रुपए ही वापस मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी किसी भी स्थिति में अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर के 3 दिन के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए। तीसरा नियम आप यह देख पा रहे होंगे दोस्तों कि करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर कितनी होगी लायबिलिटी। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट या 5 लाख रुपए से अधिक लिमिट के क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत या फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसे मामलों में आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपए होगी, यानी कि अगर 1 लाख का आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो 75,000 रुपए बैंक आपको वापस भरपाई के रूप में दे देगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, शर्त यह है कि आपको 7 दिन के भीतर भीतर इसकी जानकारी बैंक को देना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है। तो दोस्तों एटीएम कार्ड को लेकर यह एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट था, आपको मिल गया होगा। और दोस्तों आपको बता दूं, आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि बैंक के एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से, और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली नई स्कीम और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको वाकिफ करवाएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।